साबुदाना की खीर बनाने के लिए साबुदाना लिया है 1 कटोरी। इसको पहले मैंने 2 घंटे भिगो दिया है। फिर साथ में थोड़ी गाजर ली है कद्दूकस की हुई, और ये छोटी इलायची ग्रीन वाली है, उसके बीज निकाल के रखे हैं। ये बादाम काट के रखे हैं डेकोरेट करने के लिए, और ये साथ में नारियल है, ये कद्दूकस करके रखा है। ये मीठा चीनी जितनी आप अपनी इच्छा के मुताबिक जितनी ज़रूरत होगी उतनी डालिए। और ये दूध, दूध लिया मैंने 1 किलो के करीब है। अब हम गैस ऑन करके दूध डालेंगे पतीले में। इसका बेस हैवी होना चाहिए ताकि नीचे ना लगे दूध और साबुदाना नीचे बैठे नहीं। ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें गाजर भी डालनी है। थोड़ी सी ही डाल रही हूं कि कलर आ जाएगा इस पे अच्छा। और ये साबुदाना इसको हिलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि नीचे बैठे नहीं। इसमें कैल्शियम बहुत मात्रा में है तो ये वैसे भी अच्छा है, तभी व्रतों के दिनों में खाया जाता है इसको। ये अच्छे से उबल रहा है दूध। इसकी अब आंच स्लो ही रखनी है ताकि बाहर ना फैले। अब ये काफी बॉयल हो रहा है, अब इसमें हम मीठा डालेंगे। हरी इलायची भी डाल इसी में डाल सकते हैं बॉयल होते हुए। दूध अच्छा गाढ़ा हो गया है, इसका अपना भी स्टार्च थोड़ा सा होता है साबुदाना में, तो ये अच्छी गाढ़ी बनेगी। गाजर डालने से और अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। 15 मिनट लगे हैं मुश्किल से इसमें। बस ये हमारी खीर तैयार है, अब गैस बंद करेंगे। ये हमारी खीर तैयार है, अब इसमें हम नारियल जितनी आपकी इच्छा हो उसके मुताबिक डाला जा सकता है, और साथ में ही ये बादाम की गिरियां। ये सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।